देखिए कौमी असेंबली में तो जाना ही था ना इलेक्शन जीते थे तो जाना ही था हाँ लेकिन वजी वजी आजम बनने के लिए आए थे मेंबर असेंबली बनने के लिए तो नहीं नहीं तो मैंबर पहले बनेंगे तो वजीर आजम बनेंगे ना पहली बात <laughs> दूसरी बात ये है अच्छा <laughs> देखिए चांस है नहीं, नहीं, नहीं चांस तो बाद देखिये वान सो देना तो अब सबको पता है कि आप लीडर है अगर मियाँ साहब बाहर बैठ जाते तो और कहते मैंने असम्बली में नहीं जाना तो फिर इट वॉज लाइक सेंगे मैं असेंबली को नहीं मानता खान साहब मान रहे हैं उनके लोग ओथ ले रहे हैं तो आप बाहर बैठे हुए कहते मैं नहीं, नहीं लेना हाँ। वो कह रहे थे तो एक छोटापन है ये खुद अपनी हुकूमत जो है अपने भाई की हुकूमत और अपनी बेटी की हुकूमत को अंडरमाइन कर रहे हैं तो ये तो ये है दिस इज इज जेस्टर ऑफ सपोर्ट कि मैं आई एम नॉट द प्राइम मिनिस्टर मैं यहां बैठूंगा

he will allow shabaz to

चांसेस तो यही हैं कि वह वापस फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे मगर क्या फौरी बन जाएंगे फ़ौरी तौर पे? या क्या इस वक्त शमशाद बेगम साहब वो रहेंगी कुछ अरसे के लिए नहीं या कोई और बंदा आ जाएगा हेल्प करने के लिए और आई एम एफ़ के साथ नगोसिएट करने के लिए बिकॉज अभी अप्रैल तक कुछ बात चलनी है आगे अच्छा। अभी फिर से जाके बातें होनी है आखिरी ट्रांस जो है वो अगले डेढ़ महीने के अंदर अंदर आनी है तो मैं ये समझता हूँ कि ये एन मुमकिन है कि डार साहब को अभी ना बनाया जाए मेक शिफ्ट अरेंजमेंट कर अभी, जाए। अभी अभी वो ना बने। देखिए ना पीपल्स पार्टी वालों ने भी तो आना है ना हाँ। उनके लिए भी तो अभी इंतजार करनी है तो हो ये सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग फाइनेंस मिनिस्ट्री ना कोई किसी को ऑक्यूपाई किया जाए इन्हीं को कंटिन्यू किया जाए एड ऑक अरेंजमेंट ताकि ये मामला खत्म हो जाए जैसे ही पीपल्स पार्टी आती है तो उस वक्त फिर सपोर्ट लेके और इनको फिर फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए एक तो ये ऑप्शन है मगर जो इंटरेस्टिंग बात जो मुझे बाकी बातें तो सब कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि जी वो ख्वाजा आसिफ ये बनेंगे और, अता, ता, और वो ये Minister. बनेगा और फलाना ये बनेगा और फलाना वो बनेगा मगर किसी ने अभी तक तबसरा नहीं किया कि हमजा शहबाज क्या बनेगा हमजा शहबाज चला गया ना वहाँ हमने डिस्कस किया था कि वो पंजाब में नहीं रह सकता जी, सेंटर में तो मैं आपको जैसे कहते ना क्या वो खबर और एनालिसिस मैं आपको ये करता हूँ हमजा जो है ये शबाशा साहब ये करेंगे कि जो जो रोल रोल है पी एस पी एम पी एस पी एम प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर वो कौन रोल अदा करेगा ठीक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के दो रोल होते हैं एक ये कि सियासी गेट कीपर होते हैं प्राइम मिनिस्टर की जो सियासी पैगाम देने होते हैं या लोगों को मिलना होता है यह सारा कुछ वो पी एस पी एम जो है वो आगे यानी फवाद हसन फवाद साहब और आजम खान साहब ज़माने में फवाद हसन फवाद, फवाद साहब थे में आजम खान, खान साहब और जब शहबाज शरीफ साहब से पी डी एम गवर्नमेंट और डॉक्टर तो तोकीर शाह से अब क्या होगा इसको स्प्लिट कर रहे हैं इसको पी एस पी एम को पी एस पी एम रहेगा मगर वो उसका रोल होगा एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा और वो उसके जरिए जरिएबलिशमेंट डिविजन और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव okay. इशूज करेंगे काबीना जो है वो इंटर प्रोविंशल कोऑर्डिनेशन मैटर्स उसके अंदर आ गए हैं पहले वो मिनिस्ट्री थी वहाँ से उठा के बहुत सारी चीजें इधर ले आए हैं पी को भी इधर ले आए हैं कैबिनेट के अंदर पहले वो इंटर प्रोविंशल कोऑर्डिनेशन के पास थी अच्छा मगर जो सियासी मामला हैं उसके लिए अब हमजा शबाज शा, को बुलाया बुलाया गया है उनको ही विल बिकम दर्सनल

ताकि ये अब पॉलिटिक्स जो है वो कंट्रोल करेगा हमजा हाँ। वाया शबासा वाया हमजा ओके और उधर जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो वाया द न्यू सेक्रेटरी अब वो कौन होगा सेक्रेटरी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी हैं कामरान साहब वो शायद उधर चले जाए और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमदाद बोसाल जो हैं वो आ जाएंगे एज़

देखिए पार्टी तो पंजाब की है ना हाँ, तो पंजाब फिर भी हाथ में हाथ में हाँ, फिर भी हाथ में हाँ चलें ठीक है हिम देर इज लूज वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक अच्छा वो कहते हैं ना रुलते गए पर चस बढ़ी आई है ये। तो अब जब आप एक हुकूमत के दौर से गुजर आते हैं तब के इनक करते हैं लेकिन अब आप नई हुकूमत की तरफ जा रहे हैं ख्वाजा आसिफ की बात कर रही करी उन्होंने अब जब नए सेटअप में आने लगे तो पुराने सेटअप की बात करते हुए कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज वाहम मिलकर हमसे कानून साजी करवाते रहे और इसके लिए हमें आए आई एस आई के मेस में जाना पड़ता था कौन सी लेजिस्लेशन करवाई इन्होंने और ये साबित कर सकते हैं समझ नहीं आई क्यों ख्वाजा से वैसी बातें करते हैं हाँ। जिसके साथ इनकी अपनी पार्टी की शर्मिंदगी होती है हालांकि लम्बे पे हो और कहना आओ तो टिक 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 करके पहुंच जाते थे होते और खादा साहब का तो पैसे रेपुटेशन रे रे भी यही है ना जी के वो फोन करके कहते थे मैं हार रहा हूं तो नहीं वो वेल आई मीन बहुत कुछ है और डिफेंस मिनिस्ट्री इसीलिए बनाया था ना कि जिस वो कह रहा है कम यार तो यू टका टक तक, टक 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 करके हाजिर जनाब हाजिर जनाब पहुंच जान तो अब इसकी एडमिट करने की क्या जरूरत थी हाँ। क्यों क्यों क्या जरूरत थी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी बस में आदत बोलने की ये तो नहीं बताने लगे कि आगे भी हमारे साथ यही नहीं आगे क्या हो रहा है अभी क्या बताएंगे जब हो जाएगा तो फिर बताएंगे कि क्या हो रहा है इन द मीन वाइल हम बताएंगे आपको क्या हो रहा है अब इन्होंने बात नहीं बताया नहीं कि कौन सी लेजिस्लेशन लेजिस्लेश हाँ, exactly. मगर वो स्पेकुलेशन हो रही है मगर उसकी जरूरत नहीं है मैं आपको बता देता हूँ देखिए एफ ए टी एफ फाटअफ ये तो तस्लीम कर लिया गया है इंटरनेशनल कम्यूटी ने भी कि जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़ ने बहुत अहम रोल अदा किया था ताकि इसको पुश करने के लिए नहीं। नहीं। ये 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 जो पॉलिटिकल जॉनीज है ना इन इनके इनसे बस, इनके बात बस नहीं की थी। बात नहीं थी इतने मुश्किल काम था ये जल्दी में इसको निपटाना कि ये अगर इनकी हेल्प ना होती तो ये होता ना और उन्होंने ये करवाया है फाटाफ नहीं तो अभी भी हम भी अब तक कर करके फारग हो गए होते हम Hmm. तो ये जो है इट इज अ वेरी ग्रेट पोलिटिकल इंटरवेंशन बाई द मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट उनकी वजह से ये सारे लोग टाइट हो गए और उन्होंने फिर वो कानून बनाने शुरू किए और सारी चीज़ें जो थी उनकी रिक्वायरमेंट थी बीस कंडीशनैलिटीज थी. थी उनको पूरा किया वन बाय वन वन बाय वन करके एंड अगर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ जनरल बाजवा एंड जनरल फैज़ ये इन बहुत मुश्किल काम था तो इसलिए इसके, इसके लिए तो खैर दाद देनी चाहिए ये भी नेशनल इंटरेस्ट में था जी। अच्छा मगर जो अगली बात है आ, जो जिसका जिक्र नहीं आया मैं आपको बता दूं मैंने एक अपने प्रोग्राम के अंदर इसका जिक्र भी किया था पहले मैं फिर अब आपको बता देता हूँ रेको रेकोडिक रेकोडिक बड़ा प्रॉब्लम था उसके अंदर बहुत बड़ा एक आपको फाइन हुआ हुआ था वो बारह बिलियन डॉलर्स का ये एल्बन और उसको किसी तरीके से रेकोडिक का मसला हल करना था और ये जनरल बाजवा की ये कोशिश थी कि ये इमरान खान की हुकूमत इसको करे अगली गौमत शायद इतनी पावरफुल नहीं होगी या वो कर नहीं सकेगी या क्रिटिसिज्म ज़्यादा होगा बिकॉज इसके अंदर तो हमने छः बिलियन डॉलर के ऊपर जो सेटलमेंट करवाई है उसके अंदर हमें तो कुछ नहीं मिला जो थोड़ा बहुत मिला वो बलोचिस्तान को मिला बाकी तो वो ले गए हैं सारा कुछ मगर अगर ये ना करते तो वो हमारे गले पड़ जानी थी और आपके पास तो पैसे नहीं थे आप दस साल में भी वो पे ना कर सकते तो अगेन दिस अ वेरी बिग थिंग दैट द मिलिट्री डिड कि इस मामले को उन्होंने रिजोल्व करवाया और ये अगर फौज साथ ना होती hmm. तो ये कानून की वजह से ये फंस जाता बिल्कुल कहीं ना कहीं जाके ये फंस जाता hmm. जैसे कि इफ्तहार चौधरी जाते जाते मरवा गए हमें इसके ऊपर और भी अदालतों ने इधर उधर नहीं, दुर दुर नहीं इसको फंसा देना था hmm. तो ये अगेन दिस वॉज अ वेरी ग्रेट इंटरवेंशन मगर एक और इंटरवेंशन थी जिसके ऊपर ज़्यादा समझ नहीं आ रही कि वो क्या थी और ना ही उसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डाली गई है वो ही वो थी गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंस बनाने का एक इरादा, था। इरादा। और वो बड़ी ज़रूरी थी बिकॉज़ खबरें ये आ रही थी कि इंडिया किसी वक्त भी इंटरवेंशन करके किसी किस्म की भी क्रिएट करके प्रॉब्लम इसको क्लेम ना कर ले इंडिया तो अभी भी कहता है नागर हिंदुस्तान जो है वो हमारा कश्मीर का है तो इसको अगर प्रोविंस बना देंगे इसको इनकॉपरेट कर लेंगे इनटू टू आर लीगल स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन तो इसको फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया को इसको हजफ करना हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इस ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था और फाइनली जो अनफॉर्चुनेट ये सब अच्छी चीज़ें थी मगर जो अनफॉर्चुनेट थी वो पीको पीका 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 के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट का रोल था क्योंकि वो तंग आए हुए थे जर्नलिस्ट से और सोशल मीडिया वालों से और वो पीका बड़ी सख्ती के साथ पीका बनाना चाह रहे थे खान साहब ऑन बोर्ड थे और उसके बाद ये पीका जो बना भी थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स की गई बिकॉज शोर डाल दिया अपोजिशन ने उस वक्त की मगर ये पीका के अंदर भी का बहुत अहम रोल था उस वक्त याद रहे कि आई बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन कर रहा था ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान ठीक है वो सेम पेज था ना हाँ और फिफ्थ जनरेशन वॉर और हमारे एक बड़े करीबी दोस्त जनरल साहब, जी आसिफ अच्छा, ये तो आधी रात को भी जर्नलिस्ट को ट्वीट करके उनका जवाब दिया करते थे बहुत एक्टिव थे फिर उसके बाद आई एस पी आर में खामोशी हो गई उनके जाने के बाद इससे तो ऐसे लगता है जैसे सियासतदान जो हैं उनको नहीं समझ के मफाद में क्या है लेकिन आर्मी ने ये सारे इकदाम किए no अच्छा जब आर्मी की बात आ रही है तो आर्मी चीफ हमारे सैयद आसिम मुनीर साहब उन्होंने एस पी हैं जिन्होंने लाहौर इचरा वाक़े में बड़ा कलीदी किरदार और बड़ा अहम और नाजुक किरदार अदा किया एक खातून होने के बावजूद उन्होंने जिस तरह हजूम को एड्रेस किया एक खातून की जान बचाने के लिए उसको बड़ा सराहा गया है मरीम नवाज़ साहिबा ने भी सराहा लेकिन हमारे आर्मी चीफ़ ने उनको बुला के शाबाश दी और इस मौके पर कुछ बातें भी उन्होंने कही मैं चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं आर्मी चीफ़ ने क्या मैसेज दिया इस वाक़े को लेकर एक्चुअली इसके ऊपर दो सवाल खड़े हुए हैं एक तो ये कि क्या मैसेज दिया है उन्होंने किसको दिया है इनको दिया है किसी और को दिया है जी। और दूसरा सवाल यह है कि क्या आर्मी चीफ को मिलना चाहिए था कि नहीं अगर किसी को मिलना चाहिए था शाबाश देने के लिए तो आईजी साहब उन्होंने तो ऑलरेडी कर दी थी मरियम ने भी कर दी चीफ मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर कर सकते थे जी, तो मतलब है कि आर्मी चीफ क्यों कूद गए इसके अंदर ये इसके ऊपर बातें हुई हैं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आर्मी चीफ़ ने क्यों हाथ रखा उनके ऊपर ये तो बड़ी पेट्रनाइजिंग एटीट्यूड है मर्द होता तो हाथ ना रखते ऐसी बातें मैंने सुनी हैं मैं नहीं करता इन बातों से मैं आपको बताऊँ क्यों पहली बात यह है कि आर्मी चीफ़ का मिलना जो है वो एक बहुत पावरफुल मैसेज है एस पी को नहीं ये मजहबी जमातों को है और उस वो सोच वाले लोग जो इस किस्म की चीज़ में मुबतला होते हैं okay. और आर्मी चीफ ये जनरल बाजवा नहीं है hmm. ये कोई सेकुलर आर्मी चीफ नहीं है hmm. okay. ये आर्मी चीफ लाइन बाय लाइन कोर्ट बाय कोर्ट हर मौलवी के साथ खड़े होके बैठ के कुरान कोट कर सकते हैं हदीस कोट कर सकते जी. हैं इनको आप चैलेंज नहीं कर सकते इनकी इंटरप्रिटेशन hmm. के इस्लाम क्या है क्या कहता है hmm. तो जब ये अपनी अप्रूवल देते हैं कि बच्चे तुमने सही किया hmm. क्योंकि उस औरत ने कोई गलती नहीं की थी और आपने यू डिड द राइट थिंग इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज टू द रिलीजियस क्लासेज उनके लिए ये बड़ा पैगाम है बड़ा इनडायरेक्ट पैगाम है ये नहीं बुला के दाढ़ी वालों को कहा कि ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना नहीं उन्होंने अपना पैगाम दे दिया है और मैं ये समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा पावरफुल पैगाम दिया उन्होंने एक बड़े तरीके के साथ कि पैगाम चला गया आई को बुला के शाबाश दी अच्छा ये ये जो लोग कह रहे हैं शाबाश तो देनी बनती है ना मगर जो उनको जो इंटरवेंशन है इट इज़ फॉर द सेक ऑफ एक्सट्रीमिज़्म कि हम किसी किस्म की एक्सट्रीमिज्म को और इस किस्म की इमोशनलिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये हमारे लिए दिस इज़ नॉट कुरानिक दिस इज नॉट इस्लामिक बिल्कुल ये इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता मौलवी चैलेंज नहीं कर सकता वो तो, 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 तो बैठ जाएंगे कहीं आ जा फिर बैठ जा <laughs> तो इसलिए मैं ये समझता हूँ दिस इज अ वेरी पावरफुल इंटरवेंशन मेरी उम्मीद है कि इसके जब भी आएंगे वो इस मुल्क में आते हैं तो आर्मी चीफ जो है इसी किस्म के पैगाम अपनी नॉलेज एंड नॉलेज के साथ ऑन वाट इज इस्लाम और क्या जायज़ है और क्या नहीं जायज़ इसी किस्म के पैगाम देंगे और इसके साथ बहुत फर्क पड़ेगा माहौल के अंदर भी और इंतहा पसंदी की रोकथाम में मदद मिलेगी यानी सैयदा शहरबानो नकवी साहिबा का जो एक था वो तो काबिल तहसीन था ही लेकिन आर्मी चीफ का उस पर मोहरे तस्दीक उन, सब उनको करना सपोर्ट करना उनको सही सपोर्ट किया करना और आपका मौका सही था मुआशरे के लिए एक मैसेज है ओवरऑल मुआशरे के रवैये के लिए और ये इस तरह के रवैये को बार बार रिपीट किया जाना चाहिए ताकि इंतहा पसंदी का शिद्दत पसंदी का खात्मा हो सके और यही आर्मी चीफ है जो कर सकता है यही कर सकते हैं पहले जो है वो नहीं कर सकता सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब अब ये सैयद सैयद आप भी सही वो सैयद साहब भी हाफिज साहब भी सैयद ये खातून जो है ये भी, भी सहीदा निकली जी, जी, है और श्यार मेरी एहलिया भी कुछ सही देख हो गया शहीदों की जरूरत की क्या चक्कर है, <laughs> है? <laughs> आप मारे नहीं गए आप बक्से गए